में कब से आए हैं? तकरीबन 12:30-1 बजे से आए। अच्छा, एक भाई वाली बात आपसे सच सच बताइएगा, आपके कितने दाने इसमें से सेल हुए? अभी तो कोई से नहीं हुए। 12 बजे से लेके 5 बज गए, अभी आपका एक दाना नहीं बिका। 2 महीने हो गए, आप यकीन करें जाल वालों का बाइकआउट तो चल रहा है, मगर जो है कोई आगे नहीं आ रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल कोई रिस्पांस नजर नहीं आ रहा यार। ये हमारे सारे भाई हैं, पूरी मार्केट खचा कच भरी हुई है लोगों से, मगर खरीदार नहीं है। खरीदार तभी बनेंगे जब हमारे जाल वाले हमें अच्छे रेट देंगे। और ये रेट अच्छे होंगे, ये हो सकता है रेट अच्छे होंगे, बता लोगे ऐसे होना चाहिए। चले बस आपकी यही राय लेनी थी, हल किया जाए तो आपका क्या ख्याल है इसमें? सही है। एक टमाटर है, टमाटर जो है ना आप 50 रुपए की 10 किलो की थैली मिलती है, और कभी कभी टमाटर वही आपको 200 रुपए किलो की सस्ती चीजें बेचना, ये तो मैं भी कहूंगा यार कहीं का इंसाफ नहीं है। वो हर बर्ड्स पालने वाले को उसका सही हक, जो वो बर्ड्स पाल के इतनी मेहनत करके जो है वो अपने पैसे लगा के सारा टाइम दे के ये सारी चीजें करता है, इनके बच्चे लेता है या मतलब जो भी है, तो वो उसको हक उसका जो है वो मिलना चाहिए। इससे मार्केट और ज्यादा डाउन हो चुकी है, आप देख लें उस टाइम जब बाइकआउट शुरू हुआ था उस टाइम पे 4,000 रुपए का रेट था लुटीनो का, अब जो है वो रेट 3,500 रुपए का रेट है। हर चीज का रेट जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। बाइकआउट में आप लोगों का कलर डालेंगे ऐसा कोई वो नहीं है आपका बाइकआउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, तैयब रजा बर्ड्स इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब और हमारे कैमरामैन जुनेद खटक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी सब फिटफाट होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो जाल वालों के साथ जो है वो अपलोड की थी, काफ़ी सारे दोस्तों ने उस पर मुझे बुरा भी कहा और काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है अप्रिशिएट भी किया। देखें, हम लोग आप लोगों का दिल दुखाने के लिए वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए वीडियोज़ बना रहे हैं कि अगर एक किसी एक शख्स के ऊपर रख के अगर हम ये बात करेंगे कि यार फलाना इखलाक भाई या कोई भी, देखें जाल वाले सब हैं, जाल वाला एक अकेला इखलाक भाई नहीं है, तो ये अकेले इखलाक भाई या किसी के हाथ में नहीं है। इखलाक भाई का इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने का हमारा ये मकसद था कि आप लोगों को इखलाक भाई के जो भी बातें हैं या जो भी उनके तासुरात हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। हमारा ये मकसद नहीं था कि आपको डिसाइड करें या आपके बाइकआउट में जो है कोई खलल डालें। हम भी बिल्कुल जो है वो बाइकआउट में आपके साथ हैं। जाल वालों को हमने माल नहीं दिया, आज भी हम 12 बजे इसलिए आए हैं कि हम अपना माल भी यहाँ बेचेंगे और जाल वालों से भी इस हवाले से बात करेंगे कि भाई आप लोग इस हवाले से जो बाइकआउट चल रहा है या रेट के हवाले से जो भी मामला आते हैं आप इनको हल करें। इस तरह अगर हम बाइकआउट करके रखेंगे तो ये हमारा ही नुकसान होगा और हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस बाइकआउट को ख़त्म करके जाल वालों से एक मुतालबा रखें कि भाई हमें आप अच्छे रेट दो, जो कर सकते हो आप अच्छे रेट दो हमें। इस तरह वो भी देखें, माल किसी का रुकता नहीं है, काफ़ी सारे एक्सपोर्टर हैं जो माल अभी भी भेज रहे हैं, ठीक है, और जा रहे हैं उनका माल, उनको मिल रहा है माल, ऐसा नहीं है कि उनको माल नहीं मिल रहा। अभी तकरीबन 12 बजे हैं, हम इंशाल्लाह आपको 2 से 3 बजे का भी एक जाल वालों का व्यू दिखाएंगे कि जाल वालों ने यहाँ पे कितना माल इकट्ठा किया। तो बताने का मकसद यही है कि मेरे भाई देखें, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स किए, उसमें बैड कमेंट्स भी थे और अच्छे कमेंट्स भी थे, तो ये है कि आप लोग इस चीज़ पे मत जाएं कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ। मैं उनका साथ नहीं दे रहा, मैं उनकी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ और जो बात उन्होंने मुझसे की इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये भी होगी कि दूसरा जो वो हैं अपने हमारे जिन्होंने बाइकआउट किया हुआ है उनकी बात भी आप तक पहुँचा सकूँ। उनसे भी मैंने रब्ता किया है और जाल वालों से जो एक्सपोर्टर हैं उनसे भी मैंने रब्ता किया और कोशिश में हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उनका भी कोई एक इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करें। हम लोग भी अपना सारा माल जो है वो लेके आए हैं यहाँ पे, हमने कोशिश की है कि हम जाल वालों को ना दें, यहाँ पे जो पालने वाला है नया उसको जो है हम ये माल दें और उस तक ये माल पहुँचे, हमारी भी पूरी कोशिश है, हम भी आप लोगों के साथ हैं। मगर मसले का हल तब निकलेगा अगर हम एक बंदे के ऊपर मुसलसल उंगलियाँ उठाते रहेंगे तो वो बात बनेगी नहीं। ये है कि आप प्यार मोहब्बत से जो भी है हमारे कुछ दोस्त बैठे हैं और जाल वालों से अगर हम इस चीज़ का वो करते हैं कि यार एक अरसे से ये लोग भी काम कर रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो बर्ड्स के ऊपर ही उनका सारा गुजर बसर है, तो इतना महंगा दाना खिला के और इतनी महंगी जो है वो इतना महंगा दाना खिला के और इतनी सस्ती चीज़ें बेचना, ये तो मैं भी कहूँगा यार कहीं का इंसाफ नहीं। मगर उनकी क्या मजबूरियाँ हैं ये भी मैंने आप तक पहुँचाई, ये भी मैंने आपको बताया कि यार उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। हल मसला तभी होगा जब हम बैठ के इनसे बात करेंगे और इस मसले को हल करेंगे और इस काम को चलाने की कोशिश करेंगे, ना कि इस काम के अंदर हम मज़ीद रुकावटें पैदा करेंगे। हम तो ये कोशिश करेंगे कि ये काम जल्द से जल्द चले और जो है वो हर बर्ड्स पालने वाले को उसका सही हक, जो वो बर्ड्स पाल के इतनी मेहनत करके जो है वो अपने पैसे लगा के सारा टाइम दे के ये सारी चीज़ें करता है, इनके बच्चे लेता है या मतलब जो भी है, तो वो उसको हक उसका जो है वो मिलना चाहिए। हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमने बाइकआउट में आपके साथ शामिल हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम शामिल नहीं हैं और हम जाल वालों को माल नहीं दे रहे। ये माल मेरे जो है वो कैमरामैन आपको दोबारा दिखाएंगे कि हमारा जो माल है हम लोग लेके आए यहाँ पे सेल करने के लिए और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, हम सेल करके भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि यही हमारा माल सेल हो। मगर काफ़ी सारे लोग हैं जब माल उनका शाम में सेल नहीं होता और उनको घर पे पैसे लेके जाने होते हैं तो वो मजबूरन जाल वालों को देते हैं। 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक कोई नया एक्सपोर्टर सामने नहीं आया है जिसने ये कहा हो कि यार आप इन जाल वालों को माल नहीं दो, आप हमें माल दो, तो आप हमें भी बताएं कि हम भी उनको माल दें। इससे मार्केट और ज़्यादा डाउन हो चुकी है, आप देख लें उस टाइम जब बाइकआउट शुरू हुआ था उस टाइम पे 4,000 रुपए का रेट था लुटीनों का, अब जो है वो रेट 3,500 रुपए का रेट है। हर चीज़ का रेट जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, ना कि बढ़ा है। तो मैं तो अपने दोस्तों से अपने भाइयों से यही कहूँगा कि एक दफ़ा बैठ के इस मसले को हल किया जाए और कोशिश की जाए कि काम के अंदर रुकावटें ना पैदा हों और काम जो है वो अच्छे से अच्छा चले।
अच्छा, बातें तो काफी सारी हैं, इंशाल्लाह बातें आप लोगों से होती रहेंगी। अभी हम लोग चलते हैं, इस माल को भी सेल करते हैं, दिखाते हैं आपको, और कुछ बातें जो आप खुश दिली से इखलाक भाई की भी सुनेंगे, जो उनको शिकायत है वो भी आप तक हम पहुँचाएंगे। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अच्छी लैंग्वेज में अच्छे वर्ड यूज़ करके कमेंट के अंदर आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यार ये जाल वाले जो हैं दोबारा से वही जाल वाले बन जाएं जिन्होंने 2-2 हज़ार रुपये में फिंच खरीदी है, जिन्होंने 800-800 रुपये में बजरी खरीदा है। तो इस चीज़ में आप लोग मेरे साथ हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि बायकॉट भी रहे, मगर ये है कि साथ साथ उनका भी हम लोग पूरा आपको दिखाते रहें और उनको उनकी हर चीज़ आपको बताएं कि यार उनकी क्या मजबूरी है। अच्छा भाई, आपसे कुछ सवाल करेंगे हम। देखें, ये सारा हमारा जो है, हम लोग आते हैं हरिद्वार, यहाँ पे माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये हमारा समझ लें कि सालों का एक यही काम चलता हुआ है। ऐसे ही है, आप बता रहे हैं कि फालिज वगैरह का अटैक है, देखें आपका यही काम है बर्ड्स देने का लेने का, तो हम लोग आप मेरे ख्याल में सुबह से आए हैं या अभी आए हैं? मैं अभी आया हूँ जोहर की नमाज के बाद। अच्छा, तो मेरे ख्याल में बर्ड्स आपके इतने सेल नहीं हुए होंगे। बस मैंने बिस्मिल्लाह करी अभी एक साहब से, वो भी बेचारे फालिज के वो थे, तो मैं पैसे नहीं बताऊँगा, मुनासिब रेटों में ही उन्हें दिया है क्योंकि वो भी इसी बीमारी में मुबतला थे। मैं चलो मैंने अल्लाह करे दुआ लगाई किसी की। असल पूछने का जो मकसद है आपसे वो ये है कि भाई देखिए, हम जोहर से लेके या मिसाल हम 9 बजे या 8 बजे यहाँ आते हैं माल बेचने के लिए और शाम तक जो है हमारा माल वो 2 दाने 4 दाने या 8 दाने बिकते हैं, तो हम ये लेके नहीं आते, ये टास्क लेके नहीं आते, तो देखिए यार हमारे पास जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे बिक जाएँ, ऐसे ही है ना? मैं हूँ लेकिन सारे ख़त्म हो जाता है कि बंदी रकम आई है, लेकिन ऐसा अमूमन नहीं होता, कोई एक या दो पीस बाजा ऐसा भी हुआ है, मैं बगैर उसके भी यहाँ और मलेर मेरी खोखरा पार सऊदाबाद की रिहाइश है, 300-350 का लगभग पेट्रोल लग जाता है। मैं भी हम ये नहीं आपसे आपको मना करते कि आप जाल वालों का बाइकआउट नहीं करें, मगर हम कहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए और इस तरीके से हल किया जाए कि रेटों में जो है वो तब्दीली आए, रेट बढ़े, ना कि जो है वो 2 महीने हो गए आप यकीन करें जाल वालों का बाइकआउट तो चल रहा है मगर जो है कोई आगे नहीं आ रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा यार। ये हमारे सारे भाई हैं, पूरी मार्केट खचा खच भरी हुई है लोगों से, मगर खरीदार नहीं है। खरीदार तभी बनेंगे जब हमारे जाल वाले हमें अच्छे रेट देंगे। तो बस आपसे यही पूछना था कि भाई हम हैं, देखिए हम बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं बाइकॉट में, मगर मेरे भाई मसले का हल भी तो निकाले ना कि यार उस मसले का हल क्या है। हमने तो ये हल रखा है कि अगली दफ़ा इंशाल्लाह इतवार बाज़ार में जो लोग बाइकॉट का कह रहे थे वो अपना कोई जाल वाला बंदा भेजेंगे और जाल वालों से कम 300 रुपये ऊपर में वो माल हमसे उठाएंगे, तो हमें भी पता लगेगा कि हाँ यार वाकई बाइकॉट हुआ है या सचे, और कोशिश करें कि जाल वालों से या जो भी आपसे लेता है माल उनसे एक बना के रखें, उनसे मीटिंग करें कि यार हमारे माल को आप कचरा नहीं करो, तो मुनासिब रेट है उस पर आप लेके जाओ माल को। तो बस यही गुजारिश है, बाकी भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, बाइकॉट में भी आप लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह इस मसले को हल कराने में भी आप लोगों के साथ रहूँगा। जज़ाकल्लाह। वो कहते हैं देखें वो भी अपने पेट रोजी के लिए, हमारे कोई दुश्मन या वो नहीं, हमारा सिर्फ क्या है रेटों का मामला है, रेट वो भी चाहें अपने मद्देनजर रखें कि वाकई यार लोग ब्रीडर साला साल या 6 महीने इंतजार करते हैं, अच्छे से अच्छा दाना प्रोवाइड करते हैं लेकिन उन्हें वो पैसे नहीं मिलते, क्यों? जाल वालों की वजह से। जाल वाले रेट अच्छे देंगे तो ओपन मार्केट के रेट अच्छे होंगे, अगर वो रेट अच्छे नहीं देंगे तो ओपन मार्केट भी कभी एक दूसरा भी यूँ नहीं लेगा यार अभी रेट कम होंगे, वही सासरे में सीजन खत्म हो जाएगा। तो इनसे मिल के मीटिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा आपने वो करा, जिसका हल निकाले बस बैठ गए, उनसे भी बोलें प्यार मोहब्बत से भाई आप भी रोजी के लिए, आने वाला ब्रीडर जो है वो भी रोजी के लिए इतनी दूर से आता है, इतना अर्सा इंतजार करता है, दो पैसे उससे भी अच्छे मिले, आप रेटों में थोड़ा अच्छा इजाफा करें ताकि कस्टमर जो अपना ब्रीडर आजाद हैं वो भी खुश हों, और जिन ये मामला चलता है इसमें न्यू फिंस है तो वो बेचारे शॉकिंग शॉक नहीं करेंगे, वो तो इसी में रहेंगे यार यही मसले सब लेके खड़े हैं, तो नया फिंस तो वैसे ही डर जाएगा बेचारा, रकम बॉन्ड करेगा उसकी, जब एक दो दो दाने आएंगे वो रेट नहीं मिलेंगे, वो तो उल्टा नुकसान में बेच के बदवाई देगा, तो किसी की बदवाई भी ना ले, दुआ लग लेनी चाहिए, दो रेट अच्छे दें ताकि उनका भी कारोबार चले जायज तरीके से, कारोबार चले नाजायज नहीं हो। अब जैसे किसी की उंगली उठ रही है क्यों, इसी वजह से कि वो रेट सही नहीं है, अब उनकी जब आपके चैनल वालों की जब उंगली उठ रही है तो कस्टमर जो ब्रेडर आजाद है उनकी भी उठ रही है, लेकिन वो मजबूर हैं, माल नहीं बिक रहा क्या करेंगे, वो भी मजबूरन देते हैं, लेकिन जाल वालों को चाहिए कि अपने रेटों में इजाफा करें भाई, ताकि इनकी दुआएं भी लगे, आपका भी कारोबार चले और इनका शौक भी बढ़ता रहे चलता रहे। बहुत शुक्रिया जनाब। बिल्कुल भाई, आपने हमारे चैनल के थ्रू ये बात की है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम तक इस चीज़ को पहुँचाएं, और चाह रहे हैं कि आप हमें ये चाह रहे हैं कि बायकॉट से अच्छा है कि मसले को हल किया जाए। बिल्कुल ये होना चाहिए, मसले को हल हो और ये रेट अच्छे हों ये हल हो सकता है, रेट अच्छे होंगे मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारी भी यही कोशिश है और इंशाल्लाह दूसरे भाई जो है हमारे साथ जो लगे हुए हैं इंशाल्लाह उनकी भी यही कोशिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द हम हल करेंगे और इंशाल्लाह बायकॉट को ख़त्म करवा के उसमें इंशाल्लाह अच्छी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे रेट जो है वो मार्केट के अंदर। इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? सही चल रहा है, तो देखें हल होना चाहिए ना, सही तो चल रहा है, मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ में कि बिल्कुल होना चाहिए, मगर हल होना चाहिए ना, 2 महीने हो गए हैं और सब मार्केट पूरी भरी हुई है, अभी भी लोगों के पास माल है ख़रीदार नहीं है, तो जब तक हल नहीं होगा, जब तक जाल वाले नहीं लेंगे तो हमसे कौन लेगा, इसका हल होना चाहिए, ना कि जो है वो बाइकआउट की तरफ जाए बंदा, बाइकआउट भी करे मगर रेट बढ़ा दें तो फिर उनकी तरफ जाए ना, नहीं इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो रेट भी बढ़ाएंगे, मगर ये है कि एक अब जब जिस बंदे के पास ऑर्डर ही नहीं है, एक भरपूर माल आ रहा है, भरपूर माल आ रहा है, अब आप जावा को देख लें, जावा भी जाल वालों ने तो इतना नहीं बढ़ाया था जितना आवाम ने जो है उसको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का कर दिया था, जाल वाले तो उस टाइम भी जो है वो 5-6 हज़ार में ले रहे थे, अभी भी वो उसी रेटों में ले रहे हैं, बढ़ाएंगे तो यहाँ भी रेट बढ़ेंगे ना भाई, जाल वाले जो है वो जावा के व्हाइट जावा के जो है वो 5 हज़ार रुपये दे रहे थे, मैं बता रहा हूँ, बाकी बाहर जो है 8 हज़ार रुपये का बिक रहा था,
ऐसे ही, और लोग खरीद रहे थे उसको। तो बस हमारा मकसद ये है कि भाई आप जो है वो बायकॉट से ज़्यादा बेहतर ये है कि उससे बात करके मसले को हल किया जाए ताकि जो है वो दूसरी आवाम का भला हो। हाँ होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए बस आप ये जब तक पढ़ेंगे नहीं शौकीन वैसे ही नहीं आएंगे, और वैसे ही इतने शौकीन है पूरा, अभी भी 5 बजे का टाइम है, पूरा मार्केट भरी भरी है, खरीदार नहीं है, बेचने वाले बहुत हैं खरीदार नहीं है। तो जाल वाले का बायकॉट हम करें, बिल्कुल करें मिलके, मगर इस मसले को हल करने की कोशिश करें, इस मसले को हल की तरफ लेके आए ना। ये 2 महीने हो गए बायकॉट चल रहा है और आप देखें मार्केट भरी पड़ी है, क्या फ़ायदा है इसका? कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट पूरी भरी पड़ी है, 5 बजे का टाइम है और पूरी मार्केट भरी हुई है खरीदार। आप यकीन करें कि आप जाके पता करें, लोगों का एक एक दो दो दाने भी नहीं बिके, मगर बताते नहीं है लोग इस हवाले से। किसी किसी के बिक भी जाते हैं, लग लग जाती है, मगर वो भी जाल वालों के ही ब्रोकर होते हैं जिन्होंने लेके आपसे आगे सेल करना होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई बायकॉट में हम आपके साथ हैं, मगर मसले का हल भी तो होना चाहिए ना। जी ये भी है, मसले का हल होना चाहिए ना कि यार आपका अल्विनो आप लेके आए, आप यहाँ खड़े नहीं हो 30,000 रुपये में आपका अल्विनो बिक जाए। एक मुनासिब ने 4,000 आपने ऊपर बताया, चलो भाई जाल वालों ने 30,000 रुपये लगाया, आपका बिकना चाहिए। तो हमारा भी यही मकसद है कि हम जो है इस बायकॉट को ख़त्म करवा के जाल वालों से जो भी बात है वो की जाए और इस मसले को हल किया जाए। तो आपका क्या ख्याल है इसमें? सही है, आप हमारे साथ हैं। 12:30 बजे से आए। एक भाई हमारी बात आपसे सच बताइएगा, आपके कितने दाने इसमें सेल हुए हैं? अभी तो कोई थे नहीं हुआ। देखिए हमारा एक छोटा सा सवाल है, सब दोस्तों के साथ भी कर रहे हैं, आपके साथ भी, और हम उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं जो जाल का आइटम लेके आए हैं। हम बिल्कुल जो है आप लोगों के साथ हैं कि यार बायकॉट होना चाहिए जाल वालों का। अब देखें आप 12 बजे से लेके 5 बज गए, अभी आपका एक दाना नहीं बिका, तो होना तो ये चाहिए था कि आप लेके आए तो आपका फ़ौरन जो है सारा माल बिक गया। आपने यही सोचा ना कि यार मैं लेके जाऊँगा और मार्केट के अंदर जो है मैं लेके जाऊँगा, कोई ना कोई रेट लगाएगा, मेरा माल जो है वो सारा निकल जाएगा। तो हालात वैसे ही जो है आजकल डाउन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हम बायकॉट और इन चीज़ों से हट के हम क्यों नहीं ये चाहते कि यार हम उनसे कोई बैठ के बात करें, इस मसले का हल निकालें, ताकि हर भाई लेने वाला या देने वाला जो भी है सहूलत से अपनी चीज़ लेके आए और उसको बेच के घर जाए अपने। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये तो आप लोगों को चाहिए कि जाल वालों से बात करी जाए कि जाल के रेट वगैरह जो है वो सही तरीके का है सबके लिए। हमें भी कोई यहाँ पे बैठने का कोई इतना शौक तो है नहीं, मगर क्या करें, मजबूरी भी है। बिल्कुल भाई, मजबूरी है लोगों की। हम खुद जो है, मैं अपना बताऊं कि यार हमारा भी सारा काम जो है वो बट्स से ही चलता है। हम बट्स बेचते हैं तो कोई ना कोई वो अर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं सफेदपोश जो बट्स से ही जो है वो उनकी अर्निंग होती है, हर चीज़ है। ये सारा काम इसी तरह चलेगा, बायकॉट के थ्रू नहीं चलेगा। हम इसका हल निकालें, अब 2 महीने हो गए लोग जो है यहाँ ख्वार हो रहे हैं, मगर जो है कोई हल ही नहीं निकाल रहा। जिन्होंने बायकॉट करने की कोशिश की वो तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं बिल्कुल ना। उनको चाहिए था कि अगले 2-3 हफ्तों में वो अपना एक बंदा खड़ा कर देते कि भाई ये हमारा बंदा है, लाओ हमें माल देना शुरू कर दो, तब तो मज़ा भी आता, लोगों को भी पता लगता कि हाँ यार सही बायकॉट किया हुआ है। तो भाई हमारी यही कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम पूरी कोशिश करें कि इस बायकॉट को ख़त्म करवा के, ख़त्म इसलिए नहीं करवाएं कि उनकी हट धर्मियाँ या जो भी वो उनके मामलात हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं, इसलिए ख़त्म करवाएं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, उनके मामलात जो हैं वो जो भी माल लेके आए वो जल्द से जल्द सेल हो जाए। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं कि होना यही चाहिए? होना चाहिए, आपकी बिल्कुल अच्छी सोच है, और इंशाल्लाह ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छा है, सबके लिए फ़ायदा रहेगा। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले इतवार तक जो है कोई ऐसी बनाएं, कोई ऐसी उनसे बात करें या उनसे कोई टाइम लें ताकि जो है कोई हमारे मामला जो है वो फिट हो। अगर हम उनके साथ लड़ते रहेंगे, उनसे बदतमीजियां करते रहेंगे, वो तो और वो होते रहेंगे कि नहीं यार नहीं देना, तो नहीं तो उनको माल मिलता है, आप यकीन करो कि उनको इतना माल मिलता है कि हमारी सोच है। अब एक टमाटर है, टमाटर जो है ना आप यकीन करो 50 रुपये की 10 किलो की थैली मिलती है, और कभी कभी टमाटर वही आपको 200 रुपये किलो मिलता है। तो मसला जाल वालों का नहीं, मसला जाल वालों का ये होता है कि उनके पास भी ऑर्डर होगा तो वो खरीदेंगे ना, जब उनके पास ऑर्डर ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे रख के, उसको ख़राब ही करना है उन्होंने भी माल। तो फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस बायकॉट को जो है हम कोशिश करें कि इसको ख़त्म करवा के मसले को हल करवाएं, इसलिए नहीं ख़त्म करवाएं कि यार मतलब जाल वाले जीत गए और हम हार गए, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह इसको बायकॉट तभी ख़त्म होगा जब हम इस मसले को हल करवाएंगे। आप कुछ कह रहे थे सर? आप ये बात बिल्कुल राइट है, देखें जाल वाले जो भी आगे वो दे रहे हैं उनका नसीब है, उनकी रोज़ी रोटी है। अब वो मार्केट में आए हुए हैं तो वो भी अपने काम के लिए आए हुए हैं, अल्लाह ने भाई सबको वादा करा है सबको रोज़ी मिलनी है। अब मैंने अपने घर में अगर लगाए हुए हैं तो मेरे घर पर भी ब्रीड अल्लाह का शुक्र है ऐसी आ रही है कि 5, 6, 4, 6 इस तरीके से आ रहे हैं। अब रोज़ी है ना एक ज़रिया बना हुआ है, ऐसे जाल वालों का ज़रिया है। अब वो आगे जितने में भी सेल करें वो देखें उनका नसीब, उनके जो उनके नसीब में होगा वो उनको मिलना है, जो हमारे नसीब में वो हमें मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी कारोबार में 3500 रुपये हम यहाँ 300 में ले रहे हैं और आगे वो 3500 रियाल की बेच रहे हैं, ऐसा हो तो इनकी यहाँ पे डबल केबिन है, मतलब डबल केबिन से कम में तो आए नहीं ये लोग यहाँ पे। इनके घर देखो आप, छोटे मोटे घर हैं हमारी तरह, मतलब छोटी सी गाड़ी रखी हुई है, एक बाइक रखी हुई है छोटी मोटी, मतलब एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहे हैं। करोड़ों रुपए का कई जाल वाले ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, करोड़ों रुपए का नुकसान करके बैठे हैं, करोड़ों रुपए का। कभी जाके आप उन लोगों से पूछे तो सही कि यार बर्ड्स पालने वाले हर बंदे का नुकसान होता है, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो बोले यार कि मेरा नुकसान नहीं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह जो है वो जाल वाले जो है वो बाकायदा अपने जाल भर के लेके जा रहे हैं यहाँ पे शुरू। या तो फिर हम पूरा बायकॉट करें ना, हमें भी पता लगे कि यार हाँ मार्केट के अंदर बायकॉट है, जाल वाला एक दाना माल का यहाँ से नहीं लेके गया,
कई सारे एक्सपोर्टर हैं जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनका माल जा रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं है किसी के बायकॉट से किसे फ़र्क है, हमें आपको जो गरीब आवाम है उनको फ़र्क है, जो एक्सपोर्टर है जो लाखों रुपये कमा रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया और काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू भी दिखाए, उसमें भी आप देखें कि हर बंदा परेशान है। तकरीबन 9-10 बजे से लोग यहाँ आए हुए हैं, मगर किसी का एक बर्ड नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? कि जाल वालों के पास ऑर्डर नहीं था, ठीक है। तो जाल वालों का बायकॉट करने से बेहतर है मेरे भाई के इनके साथ बैठ के जो भी बात है उसको क्लियर किया जाए और इसके रेटों को जो है वो जितनी कोशिश की जाए बेहतर से बेहतर बनाने आना था। कुछ मजबूरियों की वजह से मैं नहीं आ सका। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हुए थे मेरी वीडियोज़ में कि इन्होंने जो है वो जाल वालों का इंटरव्यू लेके जो है वो सही नहीं किया। बाकी फिर भी हम यही कहेंगे कि फैसला आप लोगों के हाथ में, हमारी भरपूर कोशिश यही रहेगी कि जाल वालों की और ये बायकॉट जाल वालों का और आपका जो बायकॉट है इसको ख़त्म करवा के आपको अच्छे रेट दिलवाए जाएँ, वही रेट दिलवाए जाएँ जो तो पहले किसी टाइम पे हुआ करते थे, 1500 रुपये 2000 रुपये। और आप अपने जहन से ये निकाल दें कि यार हमारी कोशिश ये होगी कि यार हम मतलब बायकॉट में आप लोगों के कलर डालेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। आपका बायकॉट बिल्कुल हक पे है, इसलिए कि 300 रुपये कंगनी का रेट है और 300 रुपये में अगर फिंच देंगे तो उसमें क्या मिलेगा, या बजरी है, कोई भी परिंदा है, अगर आप रेट कम होते जाएंगे तो फार्मर तो वैसे ही जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर ही जो है वो बर्ड्स के ऊपर चलता है, तो आप लोग हमारे साथ दें, आप लोग हमारा साथ दें इन चीज़ों में, तो इंशाल्लाह हम इस मसले को हल कराएंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मार्केट की और बर्ड्स के हवाले से जो जो वीडियोज़ हम बनाते हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।